हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम रोडीज के सीजन 19 में कुछ अनफेयर चीजें देखने को मिली उस पर बात करेंगे, कुछ नॉनसेंस टास्क देखने को मिले उस पर बात करेंगे, और साथ ही दीप विजय के रिटर्न का बहुत ही बड़ा हिंट मिला है उस पर भी बात करेंगे, और जो एपिसोड नंबर 33 में एलिमिनेशन होगा उस पर थोड़ा करेक्ट करते हुए उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जोगिंदर और अभिरूप कदम का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, तो ये न्यूज एकदम सही है, इन दोनों का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। बट अभिरूप कदम है ना, वो किसी ट्विस्ट के वजह से सेफ हो जाएंगे, और एपिसोड नंबर 33 में सिर्फ एक कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होगा, वो है जोगिंदर। तो ये तो रही एपिसोड नंबर 33 की बात, अब थोड़ी अनफेयर बातें कर लेते हैं। तो अब अनफेयर की बात की जाए तो अनफेयर किन के साथ हुआ है, वो है गैरीलू और दिग्विजय सिंह राठी। तो इन दोनों के साथ अनफेयर किस तरीके से हुआ है इस पे भी आगे हम बात करेंगे, और इनके रिटर्न पे भी बात करेंगे। तो यार देखो, हमें बहुत सारे कंटेस्टेंट है इस सीजन जिनको सेफ करते हुए नजर आए। जैसे सबसे पहले हमें वोट आउट होने के बाद सबसे पहले पल्लवी बची, फिर उसके बाद वासु जैन बचे, और फिर उसके बाद तो सीधा 5 कंटेस्टेंट को बचा लिया गया जो कि अपना लास्ट वोट आउट हुआ था, और इसके बाद फ्यूचर में हमें अभिरूप कदम भी बचते हुए नजर आने वाले है। तो यार इनमें बहुत से कंटेस्टेंट है जो कि डिजर्विंग है, जिनको बचा लिया गया तो वो ठीक है, फेयर है वो चीजें। जैसे कि वासु हो गए, सिवित हो गए, सचिन हो गए, और हिमांशु अरोरा हो गए, तो ये कुछ डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे, और ये लोग कुछ शो में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो इनको बचाने का हक बनता है। बट पल्लवी हो गई, भूमिका हो गई, और आकृति हो गई, तो मुझे कुछ खास एफर्ट इनके देखने को मिले नहीं शो में। तो यार इनके पीछे ऐसा ट्विस्ट लाने का तो मुझे कोई सेंस लगा नहीं, और यही मुझे अनफेयर चीजें लगा कि डिजर्विंग प्लेयर जो है, जैसे गैरीलू हो गए, दिग्विजय सिंह राठी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे रोडीज के लिए, बट इन दोनों को निकाल दिया गया, और इनके लिए कोई भी ट्विस्ट भी हमें देखने को नहीं मिला। बट वहीं पल्लवी के लिए पहले ही एपिसोड में उनको वोट आउट और स्टार्टिंग में ही सेव करने वाला टास्क को कर दिया गया है, और फिर उसके बाद अभी आपने लास्ट टास्क भी देखा। पहले तो 5 कंटेस्टेंट के वोट आउट की बात करते हैं, फिर उसके बाद सर्वाइवल टास्क रखते हैं। चलो सर्वाइवल टास्क में तो किसी कंटेस्टेंट का वोट आउट होना चाहिए था, बट वहां पे भी किसी का भी वोट आउट नहीं किया गया। तो ये अनफेयर ना दूसरे कंटेस्टेंट के लिए हो जाता है जो कि एलिमिनेट हो गए हैं और जो डिजर्व करते हैं। तो यार इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि इस सीजन में हमें ज्यादा अनफेयर चीजें देखने को मिली या फिर नहीं मिली। करम और कांड मुझे अब मजा नहीं आ रहा सच बताऊं तो, क्योंकि जिसके ऊपर ये करम और कांड यूज होना चाहिए उनके ऊपर किया नहीं जा रहा, और बेमतलब के प्लेयर के ऊपर करम कांड का यूज किया जा रहा है। तो आप लोग अपना ओपिनियन भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यार ये तो रही अनफेयर और फेयर वाली बात, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। तो अब बात कर लेते दिग्विजय सिंह के रिटर्न से रिलेटेड। तो उन्होंने अपने चैनल पे एक बार Q&A किया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ सरप्राइज हो सकता है, उनको वोट आउट के टाइम पे भी घर नहीं जाने दिया था, तो मैं इसके बारे में तो कंफर्म नहीं कह सकता, और उनके हिंट से इतना तो पता लग रहा था कि उनका हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो भाई जहां तक मेरे सोर्सेस से मुझे पता लगा है तो दिग्विजय सिंह राठी का रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे तो अब मुझे नहीं पता मोटिव क्या है, बट हां उनका रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। और सोर्सेस की बात की जाए तो अब तक मैंने आपको जितने भी अपडेट दिए हैं मैक्सिमम सभी अपडेट सही गए हैं, तो मुझे तो भरोसा है कि शायद ही हमें दिग्विजय सिंह राठी का रिटर्न देखने को मिले। बट देखते क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है उनका रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और मैं ये रिटर्न फिनाले वाले एपिसोड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस एपिसोड में तो सभी कंटेस्टेंट आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।